भरतपुर गांव में रहने वाले धर्मवीर बैल का बड़ा बेटा तिलक बैल और छोटा बेटा विमल बैल आपस में दिन रात लड़ते ही रहते थे। उन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख गांव के दूसरे बैल और गाय अपने बच्चों से कहते हैं, चुपचाप जल्दी से सारा खाना खा ले, वरना मैं भी तुझे तिलक और विमल बैल के जैसा भाई ला कर दूंगी। हाय राम, मम्मी इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? मैं खाना खाता हूँ ना, लेकिन आप प्लीज वैसे भाई बिल्कुल मत लेकर आना। दिन रात लड़ाकू बेटों को देखकर आखिरकार कौन से माता पिता खुश होते। कुछ ऐसा ही हाल धर्मवीर का भी था। वो भी अपने बेटों के लड़ाई झगड़े देखकर दिन रात परेशान रहता था। इसी बात को लेकर एक दिन वो अपनी पत्नी रज्जो को डांटते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता रज्जो, तुम अपने दोनों बेटों की हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करती हो, और उनकी ऐसी हरकतों को देखकर उन दोनों को डांटने के बजाय तुम हंसकर सारी बात टाल देती हो। क्योंकि मुझे अपने दोनों बेटों पर पूरा भरोसा है। अभी तो वो दोनों बच्चे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़े होकर वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे से खूब प्रेम भाव रखेंगे और सच्चे भाई होने की मिसाल बनेंगे। ओहो, हर बार यही बात कहकर तुम उनकी कमियों को छुपाकर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर धर्मवीर खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और लड़ते झगड़ते दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता जाता है। फिर एक गंभीर बीमारी के चलते रज्जो की मौत हो जाती है, लेकिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार वाले दिन भी दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी धर्मवीर गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए कहता है, नालायकों, यहाँ पर तुम्हारी माँ की चिता जल रही है, लेकिन फिर भी तुम दोनों को अपने झगड़े से फुर्सत नहीं है। पता नहीं उसको तुम दोनों में ऐसा क्या अच्छा दिखता था जो हमेशा तुम्हारी अच्छाई ही करती रहती थी। पहले लड़ाई इसी ने शुरू की थी पिताजी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। भैया बिल्कुल झूठ कह रहे हैं पिताजी, पहले झगड़ा इन्होंने शुरू किया, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। तुम दोनों से तो बहस में कोई नहीं जीत सकता, अब मुझे ही कोई फैसला लेना होगा। इसके बाद धर्मवीर उन दोनों भाइयों की शादी करवा कर अपनी जमीन का बंटवारा करते हुए दोनों में बराबर हिस्से बांट देता है और फिर दोनों को अलग कर देता है। शादी के बाद दोनों भाई खेती करके अपने अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजर बसर करने लगते हैं और आपस में बातचीत पूरी तरह बंद कर देते हैं। धर्मवीर को वह बारी बारी से एक एक महीना अपने घर पर रखते हैं। दोनों ही उसकी खूब सेवा करते हैं। बड़े भाई के जहाँ दो बच्चे होते हैं, वहीं छोटे भाई की कोई औलाद नहीं होती। समय बीतता है, दोनों ही भाइयों को एक साथ बिताए पल बहुत याद आते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातचीत करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। एक दिन विमल अपने खेत पर काम कर रहा होता है कि तभी उसकी लड़ाई गांव के दूसरे बैलों के साथ हो जाती है और सभी बैल मिलकर विमल को मारने लगते हैं। बगल के खेत में काम कर रहा तिलक जैसे ही यह देखता है भागता हुआ आता है और उन सब बैलों को मारकर वहां से भगा देता है। अपने प्रति बड़े भाई का यह व्यवहार देखकर विमल बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बातचीत किए बिना अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक बार गांव में भयंकर बारिश होती है जिससे सारी फसल खराब हो जाती है। तभी दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोचते हुए कहते हैं, पता नहीं मेरे छोटे भाई के घर में खाने को कुछ अनाज बचा भी है या नहीं। मेरे भाई के घर में उसके साथ दो बच्चे भी हैं, न जाने ऐसे समय में वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। ऐसा सोचते ही दोनों भाई चुपके से एक दूसरे के घर के बाहर 20-20 अनाज के बोरे रखाते हैं, लेकिन धर्मवीर उनको ऐसा करते देख लेता है। कुछ महीने बीतने के बाद जब विमल खेत पर काम करने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके बड़े भाई का बेटा बिट्टू नदी किनारे खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नदी में गिर जाता है। बच्चे के चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी विमल झट से नदी में कूदकर बिट्टू को बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। मेरा बच्चा ठीक है ना तू? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जो तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारे बिट्टू का क्या होता। इसमें शुक्रिया कैसा भाई, ये क्या आपका ही बच्चा है, मेरा नहीं? हाँ भाई साहब, हमारे लिए तो यही दोनों हमारे बच्चे हैं। हाँ हाँ मेरे भाई, मेरे दोनों बच्चों पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। रज्जो हमेशा सही कहती थी, तुम दोनों भाइयों की अच्छाई सिर्फ वही देख पाई। आज सच में
तुम दोनों भाइयों ने सच्चे भाई होने की मिसाल कायम कर दी। धर्मवीर और सभी गांव वाले उन दोनों भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। झूरी के पास दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया, अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सिंगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि। सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहां कहां आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दो चार चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे,
फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांची हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।